नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। दोस्तों बड़ी अपडेट निकल के आ रही है एलटी ग्रेड को लेकर के। सभी अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है, जो लोग एलटी ग्रेड में ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे थे, आज सुबह सुबह ही बड़ी अपडेट निकल के आ चुके। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, विक्की खान की तरफ से अपडेट किया गया है कि एलटी जीआईसी हिंदी और सामाजिक विज्ञान की सॉफ्ट कॉपी जो थी उसका मिलान शिक्षा निदेशालय प्रयागराज द्वारा करके कल ही जो फाइल है वो लखनऊ भेज दी गई है। ठीक है, आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है और हम जश्न के माहौल में सराबोर हैं। शिक्षा निदेशालय प्रयागराज के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि जीआईसी प्रवक्ता और एलटी जीआईसी में औपबंधिक रूप से रुकी हुई फाइलें जो लगभग थी 130 के आसपास, इनको मैनुअल तरीके से कंप्लीट करके आज शिक्षा निदेशालय लखनऊ को भेज दिया जाए। ठीक है, प्रतियोगी मोर्चा ने लगभग आप लोगों की जंग जीत ली है। अब प्रतियोगी मोर्चा का सिर्फ एक टारगेट है कि जल्द से जल्द लखनऊ से पोर्टल खुलवाना, दबाव बना करके किसी तरीके से पोर्टल खुलवाने का प्रयास किया जाएगा। इनका कहना है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी से भी मिलने का प्रयास किया जाएगा, ताकि दबाव बना करके शिक्षा निदेशालय प्रयागराज से जो पोर्टल है खुलवाया जाए और वहां से जैसे ही कॉलेज चॉइस वगैरह हो गई उसके बाद कॉलेज अलॉटमेंट कर दिए जाएंगे। प्रतियोगी मोर्चा का प्रयास है कि आप लोगों की ज्वाइनिंग है वो हर हाल में जून माह में संपन्न हो जाए, इसका पूरा जो प्रयास है वो किया जा रहा है। तो जो भी एलटी ग्रेड हिंदी सामाजिक विज्ञान के अभ्यर्थी जिनकी ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हुई है, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि प्रयागराज का काम खत्म हो गया। पहले लोक सेवा आयोग से सॉफ्ट कॉपी का काम खत्म करवाया गया, अब शिक्षा निदेशालय प्रयागराज से भी काम कंप्लीट हो गया है। अब सिर्फ लखनऊ की बारी, लखनऊ में सिर्फ पोर्टल खुलना है आपका। ठीक है, जैसे पोर्टल खुल गया उसके बाद आगे की प्रक्रिया बहुत ही आसान हो जाएगी और ज़्यादा झंझट नहीं रहेगा। आप लोगों की ज्वाइनिंग जून में कराने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। बढ़ते हैं दूसरी अपडेट की तरफ, यूपी SSSC PET रद्द करो जो ट्विटर अभियान आज चल रहा है 11 जून को, और इसके साथ साथ जो जॉबलेस यूवांट UPPIT जो हैशटैग चल रहा है, ठीक है, ये भी सुबह सुबह ही ट्विटर पर ट्रेंड कर गया। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों के सपोर्ट में हमने भी ट्वीट किया हुआ है, UPSSC PET रद्द करो जॉबलेस वांट UPPIT। ये जो दो हैशटैग है, इन्हीं हैशटैग को आपको यहाँ पर आपको डालना है। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाता हूँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो है ट्रेंड में चल रहा है UPSSC PET रद्द करो। अभ्यर्थियों की मांग है कि PET को रद्द किया जाए और डायरेक्ट भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी किया जाए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, PET रद्द करो, नई भर्ती के सीधे विज्ञापन जारी करो। ठीक है, तो आज ट्विटर पर सुबह सुबह ही बड़ा धमाका हुआ है, सुबह से ही जो दोनों हैशटैग हैं वो ट्रेंडिंग पर चल रहे हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अभी जो हैशटैग है UPSSC PET रद्द करो, ये लगभग 36 नंबर पर ट्रेंड कर रहा है, 57,000 से ज़्यादा ट्वीट हो चुके हैं। वहीं पर जॉबलेस वांट UPPIT में 26,000 से ज़्यादा ट्वीट हो चुकी हैं, ये दोनों ट्रेंड कर रहे हैं। आप जो भी लोग शिक्षक भर्ती के लिए इंतजार कर रहे हैं, उन सभी से मेरी गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट और रीट्वीट करो। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम उसका ट्विटर का लिंक मिल जाएगा, ठीक है, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट और रीट्वीट करो, ताकि आप लोगों की मांगें सरकारों तक पहुँचें। और जब भी ये कैंपेन होते हैं तो कुछ ना कुछ अपडेट ज़रूर आती है, सरकारों तक जब बात पहुँचती है तो कुछ ना कुछ ज़रूर वहाँ से कुछ सूचना मिलती है। तो खैर, आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग ट्वीट और रीट्वीट कर सकते हैं। धन्यवाद।